चलो भाई करते हैं स्टार्ट। कॉपी पेन उठाओ और आज एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन सेंटर या फिर इन सर्कल कह सकते हो आप, हम उसको आज समझेंगे और कोशिश करेंगे कि पेपर में अगर वहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप देखते ही उसको टिक कर पाओ। यह वीडियो सबके लिए कामयाब है भाई। HSSC का कोई बालक देखा है उसके लिए भी ठीक है, SSC के लिए भी ये बिल्कुल सही है, वहाँ पर भी आपके सिलेबस में कवर होती है। तो ट्राइंगल का एक कंसेप्ट सीख रहे हैं भाई, ट्राइंगल का एक कंसेप्ट सीखेंगे। कंसेप्ट क्या है पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेन चीज़ क्या होती है। देखो इसके पहले चार पार्ट आ चुके हैं भाई, वो चार पार्ट जिस बालक ने पहला देख लिया हो वही इस वीडियो को देखना, वरना यहाँ पर समझ में नहीं आएगा आपको कि ये चल कर रहा है। तो यहाँ पर देखो ये एक ट्राइंगल है, फॉर एग्जांपल हमने मान लिया इस ट्राइंगल के अंदर मैं दो तरीके से कोई सर्कल खींच सकता हूँ। मैंने क्या बोला सर्कल, मैंने सर्कल खींचना है भाई। सर्कल बोले तो वृत्त, मतलब कि दो तरीके से वृत्त खींचे जा सकते हैं इसके अंदर। पहला तरीका क्या है कि इसके अंदर एक वृत्त खींचा जाए, इसकी जो तीनों भुजाएं हैं उनको टच करता हुआ ये निकलेगा, एक वृत्त होगा भाई जो इनके अंदर खींचा जाएगा ठीक है, और दूसरा वृत्त होगा जो इसके बाहर ये जो है ना ये इनको टच करता हो जाएगा ये। तो दो तरीके से एक वृत्त यहाँ पर खींचा जा सकता है भाई, ये दो तरीके से वृत्त खींचा जा सकता है। लेकिन फिलहाल हम जिस वृत्त की बात करेंगे वो जो अंदर वाला वृत्त है ना उसकी बात कर रहे हैं कि जो अंदर वाला जो वृत्त खींचा जाता है वो कैसे बनता है और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आप हेडिंग लगा लो कि इस प्रकार आप इसका डायग्राम छाप के हेडिंग लगा लियो उसके ऊपर, इन सेंटर, इन सेंटर अंत है केंद्र, इन सेंटर अंत है केंद्र। ये जो पॉइंट होता है ना बीच में, देखो बीच में कोई ना कोई तो ऐसा पॉइंट होगा ना जहां पर प्रकार रख के हम यहां पर प्रकार रखकर घुमा गए कि सर्कल ऐसा बना था जो तीनों जो भुजाएं हैं उन पर टच करे। लेकिन देखो खास बात क्या है कि ये बनता कैसे है इस बात को समझो। मैं एक ट्रायंगल के द्वारा आपको समझाता हूँ, जैसे कि एक ट्रायंगल ले लिया हम छोटा सा, ये एक ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल के तीन कोण होंगे हम सबको पता है भाई, ए बी सी। तो देखो मुद्दे की बात यह है कि वो जो पॉइंट जो यहाँ पर बीच में आएगा, जिस पॉइंट से हम वो सर्कल बनाएंगे वो पॉइंट कैसे निकलता है मैं आपको डायरेक्टली वही बात बता देता हूँ ठीक है। बात को समझो, यहाँ से ये जो एंगल ए है इस एंगल ए का मैं एक एंगल बाइसेक्टर खींचता हूँ। एंगल बाइसेक्टर समझते हैं, ऐसी कोई लाइन जो इस एंगल को दो बराबर भागों में बांटते हैं उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। और उसी प्रकार मैं यहाँ से बी का भी एक एंगल बाइसेक्टर खींचता हूँ ठीक है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। और उसी प्रकार मैं एंगल सी का भी एक एंगल बाइसेक्टर खींचता हूँ। ये तीनों जाकर एक जगह पर जाकर टच होंगे, देखो समझना इस बात को। हमने क्या खींचे तीनों एंगल के एंगल बाइसेक्टर में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई तीनों कोणों के कोण समद्विभाजक, या तीनों शीर्षों के शीर्ष लिख दूँ यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तीनों शीर्षों के कोण समद्विभाजक, समद्विभाजक। या एक ऐसी लाइन है जो देखते आप समझ में आ जाएगी आपका कि ये बिंदु आया कहाँ से, तीनों के तीनों जो एंगल हैं वहां से उनके जो एंगल वाइज सेक्टर है, मतलब के उन दोनों जो एंगल को दो बराबर भागों में बांटती वो लाइनें जहां पर एक पॉइंट पर जहां पर आके यहां पर मिलेंगी इसको बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलते हैं भाई इसको, इन सेंटर बोलते हैं इसको। और यहां से प्रकार रखा है, अगर मैं इस लाइन पर प्रकार रखा है और नो घुमा दूं तो ये इस तीनों लाइन को टच करता हुआ एक सर्कल बन जाएगा प्यारा सा ठीक है, एक प्यारा सा सर्कल बन जाएगा। और इस सर्कल को हम क्या बोल देंगे, इन सर्कल हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अंत है वृत्त बोल देंगे। बिल्कुल ये चीज़ थी, बिल्कुल आराम से आप सीख पाए। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ मेन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसकी प्रॉपर्टी जो हम आगे पढ़ेंगे। अब तक तो आपने सिर्फ इतना पढ़ा कि ये जो इन सर्कल है इन सेंटर ये बनता कैसे है, तो बनता कैसे है एंगल बाइसेक्टर से बनता है, याद रखना तीनों जो एंगल होंगे उनके एंगल बाइसेक्टर खींचोगे जहां पर पॉइंट बनेगा वहां से हम एक ऐसा सर्कल खींच सकते हैं जो तीनों भुजाओं को टच करेगा ठीक है भाई। तो यार छोटी सी बात एंगल बाइसेक्टर और इन सर्कल के ऊपर। अब देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज करते हैं यहाँ से हम, देखो अगर मैं कहूँ कि भाई जो आपके पेपर में क्वेश्चन आऊंगा वो किस प्रकार आऊंगा, जो आपके पेपर में क्वेश्चन आऊंगा हमने देखना है ये तीन एंगल हैं, यू एंगल एक, यू एंगल दो, और यहाँ पर मान लो क्या है इन सेंटर है, और यहाँ से ये जो है एक वृत्त बन रहा है
यू एक व्रत बनना, ठीक है। व्रत थोड़ा आड्डा है पर कोई बात नहीं, अपना है यो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भावनाओं को समझो, यो एक व्रत है। अब ये जो व्रत है, कहने का मतलब ये जहाँ जहाँ भी ये टच होगा, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, जहाँ जहाँ भी ये टच होगा, अगर सेंटर सेम है वहाँ पर एक लाइन गिरा दो तो वो 90 डिग्री पर गिरेगी। इस बात को भी आप नोट कर लेना। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने गिराया तो ये कितनी बनेगी भाई, 90 डिग्री की। यहाँ पर अगर मैंने गिराया तो ये कितनी बनेगी, 90 डिग्री की। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, ये जो होगा, ये जो मान लो इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ भाई, देखो ये आगे बढ़ा दिया मैंने, ये मैंने आगे बढ़ा दिया। अब ध्यान से देखना इस चीज़ को, ये हमने आगे बढ़ा दिया। जरूरी नहीं है, पहली बात तो ये कि जरूरी नहीं है कि यह जो लाइन ऊपर तक आई है, इस पॉइंट पर आई है, जहाँ पर ये टच करे वहीं पर सर्कल का जो कोना टच करेगा, सर्कल का जो कोना है वो थोड़ा सा अलग टच कर सकता है, अलग टच कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सेम होंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई आपको समझाने के लिए कि ये जो कोने होंगे ये यहाँ से अलग जा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये है कि ये जो एंगल बना है इसके नीचे, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, इस एंगल का वैल्यू बताओ। फॉर एग्जांपल ये है ए बी सी, ठीक है। ये है मान लो ये पॉइंट ओ है, तो आपसे पूछ लेगा कि एंगल बी ओ सी क्या है। इस प्रकार आपसे पूछा जा सकता है एंगल बी ओ सी क्या है। तो एंगल बी ओ सी काटना बिल्कुल आसान है, पहले मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। एंगल बी ओ सी मेरे को बताओ भाई, हमने तीन पॉइंट लिए थे ए बी सी, तीन पॉइंट लिए थे ना, देखो ए बी सी, हमारे पास बी आ गया, सी आ गया, कौन सा नहीं आया, ए नहीं आया ना। तो हमने कुछ नहीं करना, 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई टू, यो काम करना है। मतलब अगर कोई आपसे पूछ ले एंगल बी ओ सी बताओ भाई ये क्या है, और कोई कह दे कि भाई यो एंगल 50 डिग्री है, तो आपने कुछ नहीं करना, 90 प्लस ये एंगल बता रहा हूँ कितना होगा, 50, ये वाला 50 बटे में 2, कितना आया 25, 20 जोड़ो 115, तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, 115 डिग्री। अब ये जो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी, ये चीज़ आई कहाँ से, ये हमें पता होना चाहिए कि भाई आई कहाँ से। तो चलो जरा कोशिश करते हैं इसको ढूंढने की, ये चीज़ आई कहाँ से। देखो भाई सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, एक चीज़ समझेंगे, इसी में समझा देता हूँ भाई मैं। देखो अगर मैं कहूँ ये लाइन यहाँ पर गई, ये यहाँ पर आई और ये यहाँ पर, ऐसे मैंने बना दिया। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, क्या ये एंगल बाइसेक्टर है, क्या ये एंगल बाइसेक्टर है, क्या ये इस कोण को दो बराबर भागों में बांटते हैं। आप कहोगे सर हाँ बराबर भागों में तो बांटते हैं। तो मेरे को बताओ भाई, अगर ये पूरा एंगल बी था, ये पूरा एंगल बी था, तो ये जो नीचे का बचेगा ये कितना बचेगा। आप कहोगे सर ये तो बी बाई टू बचेगा, कितना बचना चाहिए भाई, बी बाई टू बचना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। उसी प्रकार ये बचना चाहिए सी बाई टू, क्योंकि देखो दो बराबर भागों में बट रहा है, तो बी बाई टू ऊपर, बी बाई टू नीचे, बराबर मिलकर कितने हो गए बी, मतलब के पूरा बी एंगल, ठीक है। तो अब मेरे को एक बात बताओ भाई, ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, आप मेरे को बताओ। ये मान लो ओ है, ट्रायंगल बी ओ सी में, त्रिभुज बी ओ सी में, देखो बी ओ सी में, बी ओ सी में एक तो एंगल है बी बाई टू, एक एंगल है सी बाई टू, और एक एंगल हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड आउट करना है। एंगल बी ओ सी मान, ये मैंने एंगल बी ओ सी मान लिया, ठीक है। तो मेरे को बताओ भाई इन तीनों का सम कितना होना चाहिए। आपको सर इन तीनों का सम तो 180 डिग्री होना चाहिए, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी ओ सी प्लस बी बाई टू डिग्री प्लस सी बाई टू डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री की। हमने बताना है एंगल बी ओ सी, तो एंगल बी ओ सी ने इस तरफ रख लो, एंगल बी ओ सी कितना आएगा भाई 180 डिग्री माइनस बी बाई टू माइनस सी बाई टू। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आसानी से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। एक सेकंड में मार्क कर लेता हूँ भाई दूसरा। देखो भाई तो यहाँ से आप क्या समझ पाए कि इतनी सी बात तो आपको समझ में आ गई, लेकिन एंगल बी ओ सी का जो वैल्यू है वो क्लियर नहीं हुई कि भाई क्लियर कट ये क्या कहना चाह रहा है। ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करके देखते हैं। तो 180 मैंने बाहर लिख लिया, 180 मैंने बाहर लिख लिया, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, अंदर देखते हैं क्या बचता है, अंदर देखते हैं। या फिर आप एक काम करो, इसमें माइनस कॉमन भी मतलब आप एक काम करो, हाँ एक काम करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा बी प्लस सी बाई टू। क्या बचेगा भाई बी प्लस सी बाई टू, हमने कॉमन लेकर देख लिया माइनस बार लिया, अंदर क्या बचेगा बी प्लस सी बाई टू। मेरे को एक बात बताओ सारे बच्चे, क्या हमें इस बात का पता है, इस ट्रायंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी
प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होगा। ये बात हम सबको पता है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो मेरे को बताओ भाई, यहाँ से एंगल बी प्लस सी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री माइनस ए, यही होगा ना। तो मेरे को बताओ भाई, बी प्लस सी की जगह पे मैं क्या ले सकता हूँ, 180 माइनस ए। बात को समझते चले जाना भाई, 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी की जगह क्या लिख दूंगा, 180 डिग्री माइनस ए बाई टू, और ब्रैकेट बंद है। ठीक है भाई, बात को समझो भाई, बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ एक बार समझने की बात है और आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाओगे। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये जो है आया हमारे पास ये एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी क्या होगा, अब देखो एलसीएम लूंगा तो ये 360 हो जाएगा, 360 माइनस, माइनस खोलूंगा तो यो माइनस का यो प्लस का, माइनस 180 डिग्री प्लस ए, और डिवाइड बाई टू, इतना हो गया। अब 360 में से 180 के कितने बचेंगे, 180 बचेंगे, तो इसने हटा में क्या लिख सकूँ भाई, अड़े 180 डिग्री, क्लियर। अब देखो ध्यान से, जो दो है वो 180 के नीचे भी आ जाएगा और ए के नीचे भी आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, 180 के नीचे जब दो होगा तो कितना होगा, 90 डिग्री प्लस जो ये है एंगल ए, मैं यहाँ पर एंगल लगाना भूल गया भाई मैं, एंगल ए, ये आप इस तरीके से लेते चलो इनको भाई, एंगल ए एंगल बी एंगल ए एंगल सी, एंगल लगाते चलना भाई कहीं पर भी, ठीक है, ताकि आपको मिसकंसेप्शन ना हो कहीं पर भी। ये एंगल हैं सारे के सारे, एंगल एंगल एंगल, ठीक है, एंगल हो गए। चलो आप देखो, 180 के नीचे दो आया तो 90 डिग्री प्लस, फिर क्या आ जाएगा भाई, एंगल ए बाई टू, एंगल बी ओ सी। तो आप बात को समझ भाई कि एंगल बी ओ सी किसके बराबर होगा भाई, 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई टू के। अब ये बात इसका स्क्रीन शॉट मार लियो सारे बच्चे, स्क्रीन शॉट मार कर इसने समझियो, खुद से करके देखना एक बार में समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है। तो अब डायरेक्टली यह बात मैं कह सकूँ हूँ कि अगर आपको ये वाला एंगल वो पूछता है तो आपने कुछ नहीं करना, एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ठीक इसके अपोजिट जो ऊपर एंगल है, देखो अल्टीमेटली एंगल ए आया ना, मतलब इसके ठीक अपोजिट जो ऊपर एंगल होगा उसकी बात हो रही है। अब ये एंगल ए हो, एंगल बी हो, एंगल सी हो, मतलब कि अगर मान लो हमसे कोई ये एंगल पूछता तो हम इस एंगल को कंसिडर करते, अगर कोई हमसे ये एंगल पूछता तो हम इस एंगल को कंसिडर करते, अगर हमारे से उसने ये एंगल पूछा है तो हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, एंगल ए को 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई टू। अब बात आपके दिमाग में क्लियर होगी कि यो सौदा की था, ठीक है भाई। ये थी प्रॉपर्टी नंबर एक, जो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में अप्लाई करनी पड़ सकती है कि भाई इसको बोलते हैं इन सेंटर की प्रॉपर्टीज होती है सारी ये, कि जब आपको इस एंगल के बारे में पूछा तो आपने कुछ नहीं करना, आपने 90 डिग्री प्लस जो इसके ठीक ऊपर एंगल है उसका आधा, इसी इस प्रकार अगर इसके बारे में पूछा तो 90 डिग्री प्लस इसके जो ऊपर एंगल है उसका आधा जोड़ के बता देना है, एकदम से आपका आंसर आ जाएगा। अब कुछ और बातें करते हैं इसके बारे में, कुछ और छोटी मोटी बातें करते हैं। देखो भाई ध्यान से, अब हमें इस बात का पता है कि ये जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल, ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर मान लो मैं खींच देता हूं भैया, ठीक है, और अगर मैं कहता हूं कि यहां पर ये सर्कल बन गया भाई, और आपको प्रॉपर्टी पता है कि ये तीनों एंगल बाइसेक्टर है, ये जो तीनों आए हैं ये और ये तीनों क्या भाई, एंगल बाई सेक्टर हैं, इस बात का आप सबको पता है। अब अगर ये एंगल बाई सेक्टर हैं तो मेरे को एक बात बताओ सारे बच्चे भाई, अगर ये एंगल बाई सेक्टर हैं तो ये इसको आधे भागों में बांटेगा, हमने फिलहाल उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जहां पर ये लाइन टच हो, देखो जरूरी नहीं है कि ये लाइन जहां पर आई, मान लो ये लाइन यहां पर आई, तो जरूरी नहीं है कि यहां पर ही ये सर्कल इसको टच करता हो सकता है सर्कल इसको यहां पर टच करता हो, जहां पर भी टच करेगा वहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, मैंने आपको ये बात समझाई थी, ठीक है। तो मैं फिलहाल वो पॉइंट ले रहा हूँ जहाँ पर सर्कल टच कर रहा है, ठीक है, ये तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर ये पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। बात को समझेंगे अब, ये है ए बी सी, ए एंगल के सामने भुजा ए, बी एंगल के सामने भुजा बी, और सी एंगल के सामने भुजा सी। ये जो है ना कुछ कैलकुलेशन करने में आसानी होती है भाई, ऐसे जब आप लिख लेते हो तो आप कैलकुलेट कर आसानी से उसको कर सकते हो। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने कुछ नहीं करना, मैं इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल के दिखाऊंगा आपको, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एक नया तरीका है, एक नया फॉर्मूला बनेगा आपके सामने, वो ध्यान से देखना कैसे बनेगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरे को एक बात बताओ भाई, ये जो दूरी है इसको मैं दो तरीके से डिनोट कर सकता हूँ आपको, कौन से थे, अगर मैं कहूँ कि ये आर है,
छोटा आर लगाओ इसको, ठीक है, इस तरीके से ये आर है। इन रेडियस क्या है, ये इन रेडियस आप सबको पता है, मतलब कि इन सर्कल की जो रेडियस होगी उसको क्या बोलेंगे, इन रेडियस। अंतः त्रिज्या, इन सर्कल की जो रेडियस होगी उसको क्या बोलेंगे, अंतः त्रिज्या, इन रेडियस। तो ये जो इन रेडियस है इसको मैंने आर मान लिया, और अल्टीमेटली आप देखो कि मान लो ये यहाँ पर ओ है, बी ओ सी, ट्रायंगल बी ओ सी में ये आर हाइट का काम भी कर रही है, हाइट का, देखो हाइट है ना, क्या है ना, डिग्री पर हाइट है। तो अगर मेरे को मान लो एंगल बी ए बी सी का एरिया निकालना है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ ए, सी ओ ए। बताओ क्या ये काम मैं कर सकता हूँ, आप कहोगे सर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इन तीनों को मिला देंगे तो ए बी सी तो बनता है, अगर तीनों को एरिया निकाल कर जोड़ दूं तो ए बी सी तो बनेगा। एरिया निकालते हैं, ए ओ बी, ए ओ बी इस ट्रायंगल में देखो, ए ओ बी में, ए ओ बी में इसमें देखो बेस कितना है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप कहोगे सर ए ओ बी में बेस तो सी है, तो सी लगा दिया, हाइट कितनी है, तो हाइट तो यही है ना इसमें भी, और ये कितनी है आर, क्योंकि तीनों क्या है, ये भी और ये भी, ये तीनों क्या भाई, इसकी इन रेडियस है, त्रिज्याएं हैं। तो मेरे को बताओ जो इसकी हाइट होगी वो कितनी होगी, आर होगी, लिख दिया मैंने। प्लस ट्रायंगल बी ओ सी में देखो, बी ओ सी में बेस कितना है, ए, हाफ इंटू ए इंटू हाइट कितनी है आर। प्लस आ जाओ इसमें ए ओ सी में, एक बटा दो गुणा बेस कितना है बी और हाइट कितनी है आर। बात को समझे, अब यहाँ पर कुछ नहीं करना था हमने, सिर्फ देखो इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है, आपको सर कॉमन तो इसमें से आर निकलेगा, आर निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा सी वाई टू प्लस ए वाई टू प्लस बी वाई टू, यही बचेगा अंदर। और इस चीज़ को मैं क्या कह सकता हूँ, आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, यह बात मैं कह सकूँ ना, ध्यान से देखो इस चीज़ को मैं ये कह सकता हूँ, आपको ये सर कह सकते हैं, अगर ये कह सकते हैं तो इसको ध्यान से देखो, ये है क्या, ये है क्या, मेरे को बताओ भाई पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर, आपको सर पेरीमीटर का हिंदी में परिमाप, परिमाप बताओ क्या होगा, तो आपको सर परिमाप तो इन तीनों भुजाओं का योग होता है, भुजा ए प्लस भुजा बी प्लस भुजा सी। आपने इसके साथ में एक टर्म और पड़ी होगी, देखो ये तो परिमाप हो गया, आपने एक टर्म और पड़ी होगी अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप में कुछ नहीं करते हैं, इन सारियों को जोड़कर बटे में दो कर देते हैं, उसको बोलते हैं अर्ध परिमाप, बोले तो सेमी पैरामीटर, क्या बोलते हैं, सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप। तो एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बटे में दो, आप सबको पता है इस बात का। तो मेरे को बताओ भाई तीनों भुजाओं का योग बटे में दो, ये अर्ध परिमाप नहीं हो गया एस। तो अल्टीमेटली एरिया ऑफ ए बी सी बराबर क्या होगा, आर इंटू एस, और आर कौन सी है, ये इन रेडियस है, ये क्या है, इन रेडियस, इसके अंदर जो सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस है ये, ठीक है। तो यो थे कंसेप्ट भाई, इसने स्क्रीनशॉट मार लियो, यो ए फॉर्मूला भी आगे काम आओगा, इसने भी हम आगे पढ़ेंगे, इसने नोट कर लियो अपनी कॉपी में। और अगर क्लास अच्छी लगी, आपको लगा कि कुछ बेनिफिट हो सकता है इससे, तो लाइक करो, हरियाणा के जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी पर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर करो, उनको दिखाओ और उनको समझाओ कि इस तरीके से भी पढ़ाई होती है। और वीडियो को लाइक कर देना, अगर नया कोई बच्चा देख रहा है तो सब्सक्राइब कर दो, आपकी तैयारी में हम कोशिश करेंगे, पूरा पूरा योगदान देंगे। और अगले वीडियो में फिर ऐसे ही किसी अच्छे से कंसेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।